हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट अपने पास है जो एक्सरसाइज 3.1 है मैट्रिक्स, उसमें अपने पास है क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो अपन ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, मैट्रिक्स की रचना करनी है। इसमें आपको मैट्रिक्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, कैपिटल ए इक्वल टू मैट्रिक्स में स्मॉल ए आई जे और 2x2 गिवन है। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, जो उसकी कोटि है, ठीक है, जो क्रम है, वो क्या दे रखा है आपको, 2x2 दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, रो इंटू कॉलम, है ना, पंक्ति इंटू स्तंभ, है ना। इसको आप हिंदी में क्रम भी बोल सकते हो, ठीक है, और कोटि भी बोल सकते हो कि मैट्रिक्स की कोटि क्या, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे 2x2 है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, A11, A12, A21 और A22, ठीक है। स्टार्टिंग में अपन ने फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था आपको कि किस तरीके से अपने को मैट्रिक्स बनानी है, कैसे A11, कैसे A12, 21 क्या होता है, 22 क्या होता है, उसके बारे में बात की थी। और मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन अपन करते हैं तो उसके बारे में बेसिक अपन ने बात की थी, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपको एलिमेंट गिवन है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां पे आपको जो एलिमेंट है वो गिवन होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में एलिमेंट क्या दे रखा है आपको, ए आई जे इक्वल टू 2y-j / 3i+j, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे A11 फाइंड आउट करना है, A11 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे i से कंपेयर करेंगे तो i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे अपने को पुट करना है, क्योंकि यही एलिमेंट है, यही अवयव है। तो i की वैल्यू 1 माइनस j, तो j की वैल्यू 1 अपॉन 3i, तो i की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो A11 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो 2-1 1 आ जाएगा और 3+1 4 आ जाएगा। इसी तरीके से A12 निकालेंगे तो i की वैल्यू 1 आएगी और j की वैल्यू 2 आएगी। तो i की वैल्यू 1 कर दी पुट और j की वैल्यू 2, और i की 1 और j की 2, ये किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है, ठीक है। तो फिर अब 2-2 कितना हो जाएगा, 0, और 0 अपॉन कितना आएगा, 5। तो 0 अपॉन 5 करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से A21 निकालेंगे, तो A21 के लिए i की वैल्यू कितनी होगी, पहले i फिर j, तो i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2×2-1/3×2+1, तो 2×2 4-1 क्या आ जाएगा, 3 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 6+1 7। और फिर A22 के लिए क्या करना है, आई की वैल्यू भी कितनी है, 2 है, और जे की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। तो आई और जे की जगह मैं 2 2 पुट कर दूंगा, 2 2 रखने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, 4-2 2, और 6+2 कितना हो जाएगा, 8। और ये कितना आ जाएगा, 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे सारे जो अवयव है, सारे जो एलिमेंट है, वो अपने को मिल चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट केवल इतना करके छोड़ देते हैं, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है ना। मैट्रिक्स आपको, मैट्रिक्स की क्या करनी है, रचना करनी है, मैट्रिक्स बनानी है। तो ये तो एलिमेंट आए हैं, मैट्रिक्स का बनेगी जब इनको आप कहाँ पे रखोगे, उस मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। और मैट्रिक्स का फॉर्मेट जो है, उसका जो ऑर्डर है, उसकी जो कोटी है, वो आपको क्या दे रखी है, 2x2, और ये सारे एलिमेंट निकाल के आपको क्या करना है, मैट्रिक्स में रखना है, तब क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा, ठीक है। 1/4, तो ये अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी में नेक्स्ट अपने पास है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकती हो, ठीक है। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, उसमें आपको ए आई जे दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में ए आई जे आपको दे रखा है i+2j का होल स्क्वायर अपॉन 2i, i+2j का होल स्क्वायर अपॉन 2i, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, i की और j की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो अपन 1 1 करेंगे, ऑर्डर सेम है, वही क्वेश्चन की कंडीशन है, बस जो एलिमेंट है वो बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे i और j की वैल्यू 1 1 है, तो 2×2 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर अपॉन 2 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। और नेक्स्ट 1 2 निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 और 2 पुट करेंगे, तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 i,
तो ये 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25/2। ठीक है, इसी तरीके से अपन 2 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 प्लस 2 इंटू जे, तो 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 i, तो i कितना है अपने पास 2 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और फिर 8 2 2 निकालेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 अपॉन 4, ये कितना आ जाएगा, 9। तो सारे एलिमेंट आ गए अपने पास, अपने को मैट्रिक्स में रखना है इनको, तो क्या आ जाएगा, 9/2 25/2 और 4 और 9। तो इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ए आई जे इक्वल टू आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में 2y-3j। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ए आई जे इक्वल टू 2y-3j, क्या दे रखा है, 2y-3j, 2i-3j। ठीक है, तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, आई थिंक कर सकते हो आप खुद से, है ना। फिर से चार एलिमेंट निकालने, क्यों, ऑर्डर तो चेंज हो नहीं रहा है, कोटी वही है, मतलब 2x2 का करना है, क्या चेंज हो रहा है, एलिमेंट चेंज हो रहा है, पहले क्वेश्चन में अलग था, इसमें सेकंड में अलग है, थर्ड में अलग है। ए वन वन निकालोगे तो 2 इंटू 1-3 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऐसे ए वन टू निकालोगे तो यहाँ पे आई कितना है, 1 है, और जे कितना है आपके पास, 2 है, तो 2-6 होगा तो -4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 1 करोगे, ठीक है, आप करके देख सकते हो, बहुत सिंपल है, जो भी आंसर आएगा, सॉरी जो भी एलिमेंट आएंगे उनको किस में रखना है, मैट्रिक्स में रखना है, तो आपको क्या होगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो याद आप इसको एज अ होमवर्क कंसिडर कर सकते हो, बहुत ईजी है, तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस उसमें मोड आ गया, ठीक है, और उसमें ऑर्डर क्या बोला हुआ आपको, मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास क्या, 2x3। तो ए इक्वल टू जो ए आई जे है, जो मैट्रिक्स अपने को बनानी है, जिसका कंस्ट्रक्शन करना है, उसका ऑर्डर क्या है, 2x3 है। ठीक है, 2x3 होने का मतलब वहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ है, तो अपने पास 6 एलिमेंट बनेंगे, ए वन वन, ए वन टू और ए वन थ्री, और ए टू वन, ए टू टू और ए टू थ्री, तो ये हो गया 2x3 का, 2 क्या हो गई 2 और 3 क्या हो गए कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो ए आई जी दे रखा है, थोड़ा सा मोड है इसलिए मैं बता रहा हूँ उसको, बाकी पैटर्न सेम है, 1/2 मोड 2y-3j, 2y-3j, ठीक है ना, 1/2 मोड 2y-3j, तो सेम उसी पैटर्न का है। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे आप 1 1 निकालोगे, ये ध्यान रखना क्वेश्चन के हिसाब से ये कंडीशन चेंज हो गई, यहाँ पे 2x3 है और एलिमेंट चेंज हो गया, और एलिमेंट में साथ में यहाँ पे क्या करा, 1/2 और मोड भी दे दिया, मोड अपने पास मीन्स अपने को पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करनी है। ठीक है, पॉजिटिव है देन ठीक है, अगर नेगेटिव है तो मोड से बाहर आएगी, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मोड के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है 11th में, ठीक है ना, मॉडुलस फंक्शन के बारे में, मापांक फलन के बारे में। तो आई और जे है तो क्या है, 1 1 है, तो 1/2, तो ये 1 1 है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 आएगी और जे की वैल्यू भी 1 आएगी। ठीक है, 1/2, अब 2-3 कितना होगा, यहाँ पे -1 होगा मोड के अंदर, और मोड से जब -1 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो फाइनल क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, और इसी तरीके से 1 1 हो गया, फिर 1 2 निकालोगे तो क्या आएगा, 1/2, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, और जे की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है, तो फिर 1/2, 2-6 करोगे तो 2 यहाँ पे 1 है, 2-6 करोगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक है, और वो मोड में से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4, तो 4 और डिवाइड में क्या है, 2 है, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप 1 3 भी निकाल सकते हो, ठीक है, इसी तरीके से 2 1 भी आ जाएगा, इसी तरीके से 2 2 भी, इसी तरीके से 2 3 भी, तो जो भी वैल्यू आ रही है उठा के उसको यहाँ मैट्रिक्स में फाइनल पुट करना है, देन उसके बाद आपका आंसर आएगा। आई थिंक आपको कुछ अभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत ही इजी फॉर्मेट है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, फिर भी अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, बहुत
बहुत इजी है, जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना है। मैंने कुछ एलिमेंट्स की जो वैल्यू है 1 1 की 1 2 की वो आपको कैलकुलेट करके बता दी, बस मोड का जो कॉन्सेप्ट है उसको काम में लेना है। अगर नेगेटिव आते हैं तो पॉजिटिव करना है, मोड के बाहर अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, कुछ दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप खुद से कर सकते हो आगे इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है ए, आपको मैट्रिक्स दे रखी है दो, जिनको कंपैरिजन करके आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि दो मैट्रिक्स का अगर आपको कंपैरिजन करना है या फिर उन दोनों का एडिशन करना है, ऐड करना है, उनको प्लस करना है या फिर उनका सब्स्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है, तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। तो यहाँ पे दे रखा है ए प्लस बी 2 7, ए बी माइनस 3 4, और फिर दे रखा है 6 2 7 8, 6 2 7 8 और -3 4। ठीक है, -3 4, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ए की और बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ए की और बी की क्या करनी है, वैल्यू बतानी है। तो पहले चेक करते हैं यार ऑर्डर तो सेम है क्या, ऑर्डर कैसे दिखाएंगे, कोटि कैसे बताएंगे क्रम इसका। यहाँ पे रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है, और कॉलम कितने हैं, 2 है, तो 3 क्रॉस 2, और यहाँ पे भी रो कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 2 है, तो ये सेम है तो कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या करना है, ए और बी की वैल्यू बतानी है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा, ए 1 1 का कंपैरिजन किसके साथ होगा, ए 1 1 के साथ होगा। इसके बारे में अपन स्टार्टिंग के वीडियो में बात कर चुके हैं जब मैंने बेसिक बताया था आपको। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और 2 इक्वल टू 2 है तो उसको लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, 7 7, फिर क्या ए बी इक्वल टू 8, फिर क्या ए बी इक्वल टू 8, फिर -3 -3 4 4। तो यहाँ से अपने को दो कंडीशन मिल गई कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, और ए बी की वैल्यू कितनी है, अपने पास 2 है। तो ऐसे अपन ने 11th क्लास में बहुत सारे तरीके पढ़े होंगे, इवन 10th में भी पढ़े होंगे आप लोगों ने, कि अगर इस टाइप की दो इक्वेशन हो तो आप वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत सारे मेथड है जो ट्रेडिशनल मेथड है जो पुराने चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कि एक की वैल्यू निकाल लो, सपोज मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकालूँ तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस ए, बी की वैल्यू क्या आ गई है, ए इधर आ गया तो 6 माइनस ए, तो उसको इक्वेशन 1 से निकाला है, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दो, प्रतिस्थापन, एक से निकाल के दूसरे में रखनी है ना, तो ए एज इट इज़ मैंने रख लिया। ठीक है, अब यहाँ बी को लिखना है, बी की वैल्यू क्या आई, 6 माइनस ए इक्वल टू 8, ये क्या हो गया, 6 a - a² = 8, स्क्वायर की टाइम है पॉजिटिव होनी चाहिए, उधर ट्रांसफर कर दो, ए स्क्वायर नेगेटिव है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 6 a पॉजिटिव है इधर आएगा तो नेगेटिव, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 8 है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और इधर वाली साइड क्या आ जाएगा, 0, इन दोनों को इधर ले आएंगे, कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे 0 + a² - 6a, तो वही लिखा है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सीधाचार्य मेथड यूज कर सकते हो या फिर आप इसके फैक्टर कर सकते हो, गुणनखंड कर सकते हो, तो उन दोनों से भी निकाल सकते हो। मैं कुछ नया तरीका बताता हूँ, ठीक है ना, वो अपन ने 11th में भी आप लोगों ने मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा, तो मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो मैंने पढ़ाया ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये मतलब ए प्लस बी की वैल्यू आपको 6 दे रखी है और ए बी की वैल्यू 8 दे रखी है। अगर जो मैं अभी मेथड बता रहा हूँ उसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी जो बताया उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नया मेथड अपने पास क्या है कि अपने को क्या करना है, दो जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो अननोन है ए और बी, उनका सम है और उन्हीं का क्या है, मल्टीप्लाई है। अगर मुझे वैल्यू मिल जाए ए माइनस बी की, मुझे वैल्यू किसकी मिल जाए, ए माइनस बी की, देन इनको कैलकुलेट करना ए और बी को बहुत आसान होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन देखो एक फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है वो ए प्लस बी के स्क्वायर के इक्वल होगा, होता है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है क्या। नहीं, आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं होता है, इक्वल कहाँ से होगा, ये दोनों तो डिफरेंट है। अच्छा, इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही है, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है, -2ab, और यहाँ पे क्या आ रहा है, +2ab, तो दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते। अच्छा, इसको इक्वल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, -4ab, अब इक्वल हो गया ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab, अब +2ab में ab में से -4ab होगा, 2ab में से 4ab माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा, -2ab आएगा। मतलब यहाँ पे अगर -4ab कर दें अपन,
इसी में, तो ये इक्वल हो जाएंगे दोनों। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2ab - 4ab क्या आएगा, -2ab आएगा। अब दोनों इक्वल हो गए तो एक फॉर्मूला बन गया, इसको यूज़ कर लेंगे अपन, इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। दोनों तो इक्वल तो नहीं थे, बट मैंने -4ab करके उन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब इससे अपने पास क्या होगा, डायरेक्ट a - b की वैल्यू आ जाएगी। अपने पास क्या है, प्लस है और मल्टीप्लाई है, तो प्लस की वैल्यू और मल्टीप्लाई की वैल्यू अपने को सवाल में दे रखी है पहले से ही। तो a - b का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, a + b की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, -4ab, ab की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32, 32 आ जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है इतना? तो यार a - b का होल स्क्वायर 4 है, तो अपन a - b की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो a - b की वैल्यू, अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे केवल 2 लिख देते हैं, वो गलती हो जाएगी। अभी अपन ने देखा था कि जब अपन ने ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करा था, जो 10th में तुम लोग करते थे, तो वहाँ पे क्या बना था, ए स्क्वायर बना था। और अपन किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे, वहाँ पे फैक्टर की बात कर रहे थे, गुणनखंड की या फिर सिद्धाचार्य मेथड की। तो वहाँ पे सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बनी थी, मतलब यहाँ पे ए की और बी की वैल्यू कितनी आने वाली है, दो दो आने वाली है। अगर यहाँ पे √4 की वैल्यू अगर आप 2 कंसिडर करते हो, तो आपका ए की आंसर आएगा। आपको ध्यान रखना a - b का होल स्क्वायर है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो a² + b² - 2ab आएगा। तो ए की और बी की पावर क्या बनेगी, 2 2 बनेगी, दो दो पावर बनेगी। तो यहाँ पे आपको √4 की वैल्यू 2 नहीं रखनी है, यहाँ पे क्या करना, आपको +-2 लेना है। ठीक है, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि रूट हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, ठीक है ना, +-2 ले वो, तभी दोनों आंसर मिलेंगे। अगर ये गलती कर दी आपने, केवल +2 ले लिया, तो फिर एक ही आंसर आएगा, गलत हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना √4 की वैल्यू +-2 लेनी है। अब आपके पास दो कंडीशन बन गई, दो कंडीशन में क्या क्या हो गया कि a - b की वैल्यू एक बार तो मेरे को 2 मिल रही है, और a - b की वैल्यू एक बार मेरे को क्या मिल रही है, -2 मिल रही है। लेकिन क्वेश्चन में जो गिवन है वो तो श्योर है कि a + b की वैल्यू, a + b की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो a + b की वैल्यू तो 6 ही रहेगी, ठीक है। और अलग अलग कंडीशन में अपन क्या करते हैं, अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे a + b की वैल्यू 6 ही रहेगी, यहाँ पे a + b की वैल्यू 6 ही रहेगी, बट a - b की वैल्यू 2 भी है और a - b की वैल्यू -2 भी है। तो इस तरीके से अपने को दोनों आंसर मिल जाएंगे। तो -b और +b कैंसिल हो जाएगा, a और 1 क्या हो जाएगा, 2a, और 2 और 6 क्या हो जाएगा, 8। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इसके हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा फिर से -b + b, तो ये क्या आ जाएगा, 2a, और यहाँ पे 6 - 2 क्या आएगा, 4। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। जब यहाँ पे a की वैल्यू 4 है और a + b = 6 है, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ 4 पुट कर देंगे तो 6 - 4 क्या आएगा, 2 आएगा। तो a की और b की वैल्यू आ गई जब a - b + 2 था। अब a - b जब -2 था तो a की वैल्यू 2 आई है, ठीक है, ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये दोनों ही आपके पास आंसर है। अगर ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू 2 होगी, और ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 4 होगी। आप अपन ने यहाँ पे जो फैक्टर बना के करा था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन ए स्क्वायर की, तो वहाँ से करते तब भी आपको ए की 2 ही वैल्यू मिलती, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था। अगर इस वाले मेथड में आपको कुछ भी अजीब सा लग रहा है, ठीक है ना, तो आप वो जो पुराने वाला मेथड था उसको यूज़ करके वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 8, उसी में अपने को क्या करना है, कंपैरिजन करके इसी तरीके से क्या करनी है, वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी आपको क्या करना है, कंपैरिजन करके वैल्यू निकालनी है। तो ये बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे ये 2x2 की मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इक्वल में 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x3x+y - x+z 3y - 2p = 4 5 - 4 - 3 आपको दे रखा है। तो यहाँ पे 1 1 का कंपैरिजन 1 1 से करेंगे, तो 2x = क्या हो गया, 4। तो x की वैल्यू बहुत इजीली आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। और फिर सेकंड अगर अपन 1 2 का कंपैरिजन करेंगे, तो 3x + y किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा, ठीक है। तो 3x की वैल्यू कितनी है, 2 + y = 5। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू जो 2 निकाली थी वो यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हो जाएगा 6 + y = 5।
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 6, तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको -1। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन आगे कंपैरिजन करें तो माइनस एक्स प्लस जेड की वैल्यू आपको -4 दे रखी है, माइनस एक्स प्लस जेड की वैल्यू -4 दे रखी है, और x की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2 है। ठीक है, x की वैल्यू 2 है और यहाँ पे माइनस एक्स दे रखा है, तो कितनी हो जाएगी -2, और जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -4 और +2 आ जाएगा, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आपके पास है 3y माइनस 2p की वैल्यू कितनी है, -3। जब टू टू का ए टू टू का कंपैरिजन ए टू टू से करेंगे तो 3y माइनस 2p इक्वल टू क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, और y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली थी कितनी है, -1, तो -1 × 3 क्या आएगा, -3, -2p इक्वल टू -3, तो -2p इक्वल टू -3, और ये जब -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0, तो -2p इक्वल टू क्या आएगा, 0, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 अपॉन -2, मतलब p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अपने को क्या करना था, इसमें एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना था, तो एक्स की वैल्यू आपको मिल गई 2, वाई की वैल्यू मिल गई -1, और जेड की वैल्यू मिल गई आपको -2, और पी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 0। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें आपको ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे रखी है जिनका ऑर्डर सेम है, यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम है, और क्वेश्चन में आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको बोला हुआ है ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी क्या हो, इक्वल मैट्रिक्स हो, समान आव्यूह है, हो समान है, मतलब अपन क्या कर अपने को क्या करना है, ए को और बी मैट्रिक्स को क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स है तो, और उसके बाद में क्या करना है, वही काम है, कंपैरिजन करके अपने को क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप इजीली देखो तो बहुत सारी वैल्यू आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है, सी, तो सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, सब कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप देखो तो 6b इक्वल टू क्या है, 12c, तो यहाँ से आप कंपेरिजन करोगी तो 12c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6b। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 6 को और 12 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 2c इक्वल टू b। ठीक है, तो b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो b क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा, और c की वैल्यू आपको पहले से ही पता है कितनी है, 3 है, तो 2 × 3 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन कैलकुलेट करें a को, तो यहाँ पे a माइनस 2 इक्वल टू क्या दे रखा है, b दे रखा है। ठीक है, तो a माइनस 2 इक्वल टू क्या है, b है, तो a इक्वल टू क्या होगा, b प्लस 2, तो b की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6, तो ये 6 प्लस 2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 8 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या है, a है, और यहाँ पे क्या है, b प्लस 2 है, तो अपन ने a को कैलकुलेट करा तो वैल्यू क्या है, b प्लस 2 ही आई, मीन्स क्या है, a इक्वल टू क्या आया था, 8, तो ए बी सी की वैल्यू आपको मिल चुकी है, सी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 8। तो अगर आप उल्टा सीधा कंपेरिजन करो उससे अच्छा है कि जो इजीली आपको ए बी सी की वैल्यू दे सके उन एलिमेंट्स का आप क्या करो कंपेरिजन, तो आपको जल्दी और आसानी से क्या होगी, वैल्यू मिल जाएगी। अब आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास है एक्सरसाइज 3.2, उसमें अपन पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। एक्सरसाइज जो आपके पास 3.2 है उसमें क्या पढ़ेंगे अपन, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ठीक है ना, मैट्रिक्स का प्लस करना, माइनस करना, उसका ट्रांसपोज करना, और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो सबसे मेन चीज़ इसमें रहेगी मल्टीप्लाई वाली, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।